गाइस वेलकम बैक मॉर्निंग विद हम देख रहे हैं आप और अब जिन दो शख्सियत को मैं बुलाने जा रही हूँ जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है दोनों और इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे हमसाया मुल्क में जाकर भी पाकिस्तान का नाम बड़ी खूबसूरती से रोशन किया और हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया और इंटरनेशनली इतने कहकर बिखेरे कि मैं कहती हूँ कि जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आई वुड लाइक टू वेलकम शकील सिद्दीकी साहब एंड रऊफ लारा। बचना ऐ हसीनों तो मैं आ गया। आज काम है वालेकुम क्या हाल है कतिशमन अपना कहां यार से सुता ये बॉय आप शकील साहब जो बॉय बने हुए हैं न्यास के शकील न्यास के बॉय 16 इयर्स ओल्ड बॉय लग रहे हैं। क्या शर्ट क्या जॉगर्स क्या ग्लासेस बस जैसे सुबह होती है ना सुबह की पहली किरण निकलती है इसकी आंखें चली जाती सारा दिन हमने इसको ऐसे लेके घूमना आओ चाचा मियां यहां आओ मदद भी हो जाती है हमारी हमारी मदद भी हो जाती है। आज आंखें क्यों नहीं दिखा रहे वैसे सुबह सुबह तुम उठाते ना तुम लोग हम सुबह सोने वाले हैं आंखें जलनी शुरू हो गई हैं आप एक मॉर्निंग शो भी तो करते थे उसी से छोड़ा ऐसा लगता है कारखाने जा रहा हूँ पता क्या अजीब सा लगता है सुबह सुबह बंदा उठ जाए उठ के मोहल्ले में जब आपकी गाड़ी आती है चैनल की और बैठने जाए तो आपस में लोग बातें कर रहे थे चिमक हुई लो इनके पास काम खत्म हो गए फारिग हो गई कहीं नौकरी पे जा रही है वो कोई कारखाना वारखाना ज्वाइन कर रहे हैं और शोबिज में आने का मकसद ये था कि नौकरी नहीं करनी है वही सुबह उठ के टिफिन है ना यस बॉस बिग बॉस अब तुम लोग बैठते हो लड़के जितनी भी तमाम बिचारी हैं मैं इनको कहता हूँ सुबह उठ के टिफिन लेके साइकिल लेके काम पे निकलती है कारखाने जा रही है आई सर सुबह सुबह उठना पड़ता मुझे तो स्कूल याद आता इवन इनफैक्ट मैं अपनी बिल्डिंग में जब निकल रही होती हूँ तो मेरी लिफ्ट में मुझे हमारे जो हमसाए हैं वो बच्चे अपने स्कूल को नीचे जा रहे होते हैं ना वो तीन बच्चे हैं मुझे वो तीनों रोज देखते हैं और मुझे उनको देख के भी याद आता है कि ये स्कूल जा रहे हैं मैं अपने स्कूल जा रही हूँ वो बच्चे भी ये कहते हैं स्कूल में पढ़ ली शकील साहब हमारा एक सेगमेंट होता है आप पे इल्जाम है त्रिमूर्ति अलग अलग एक ले चिकन लेना शकील चिकन ये बेच के पेमेंट निकालेंगे। अच्छा मैं इनसे पहले इल्जाम मैं पहले आप शकील साहब पे लगाऊंगी आपने बताना कि सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे क्योंकि आप काफी जानते हैं जानकारी आते इल्जाम शुरू हो गए ना जी थोड़ा हो जाइए ताकि आप पे इल्जाम लगे तो मेरे पे इसका ना असर हो चलो आप पे इल्जाम है कि आप किसी की अयादत के लिए भी जाएं तो लोग आपको जोक सुनाने के लिए फरमाइश कर देते हैं मतलब किसी की अयादत के लिए भी जाएं। हाँ ये बिल्कुल सही मैं ये तो पब्लिक पे इल्ज़ाम हुआ ना हाँ ये मेरे पे काम हुआ ये इन्होंने इल्ज़ाम इस तरह लिखा गलत लिखा लेकिन फिर सुनाते हैं नहीं ये होता है क्या कॉमेडियंस के खास करके आप किसी हार्ट अटैक के मरीज के पास भी जाएंगे ना उसको ICU में पड़ा होगा आप देखने जाएंगे तो खैर एक जो भी तो सुना दो यार उसको नहीं पता कहाँ आया वो भूल जाता है हमारी बदनसीबी है ये मतलब आप क्या कैसे रिएक्ट करते हैं मैं कहूँ इंशाल्लाह घर आके सुनाऊंगा मैं सही से करी करी सुनाऊंगा और ये हकीकत है कि मैं और शकील अमेरिका में गए थे शो करने के लिए मेरा ख्याल है 2002 की बात है तो वहाँ एक फैमिली मिली और उन्होंने कहा कि हमारी वालदा जो है वो बीमार रहती थी और उन्होंने आप लोगों के ड्रामे देखे और वो देखने के बाद वो इतनी माशाल्लाह से सेहतमंद हो गई ठीक हो गई ये तो है ये इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है ना हंसी बिल्कुल बिल्कुल है अगर आप सैड चीज देखें तो आप बिल्कुल सैड हो जाएंगे आप हंस रहे हो तो फिर कराची में बहादुराबाद में हमारे एक दोस्त की बेटी है छोटी सी है लेकिन वो भी रात को जब तक हमारा कॉमेडी ड्रामा ना देखे वो सोती नहीं है रात को एक डेली सीडी देख के फिर वो सोती है। बात है अच्छा सर आप इल्जाम है कि आप लेजेंडरी लहरी साहब को कॉपी करते हैं बिल्कुल सही है और अब उनकी फिल्म देख के सीखते हैं अब तो वो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन ये है कि वही जो रुखेपन से वो कॉमेडी करते हैं मैं भी कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल फ्लैट चेहरा एकदम उस पर कोई बनावट कल ऐसे हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं अगर आप कल वक्त निकाल सके तो जरूर उनको ट्रिब्यूट देने की तशरीफ लाएंगे। अच्छा जी आप पर इल्जाम है कि आपने राखी सावंत की बोलती बंद करा दी थी। हाँ वो सही इल्जाम है कैसे क्या हुआ था वुड यू लाइक जब वो शो में हम गए थे 10 कदम तो 10 कदम जब हम करने गए थे तो मुझसे कहा गया था ये बोलती बहुत मैंने कहा आज के बाद नहीं बोलेगी उसके बाद यही हुआ उसके बाद मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई बहुत अच्छी आर्टिस्ट है
दिल से बहुत साफ है, साफ है, बड़ी स्वीट सी है। बहुत सारे लोग उसको कॉपी करते हैं, पाकिस्तान में भी करती हैं बेचारी। नहीं नहीं, उनकी वो इनबिल्ट है, वो भी ऐसी हैं जिनकी आप बात शायद कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो खैर देखिए, वो नहीं, सुथरी नहीं है। वो चक्कर ये है कि वो बेचारी कॉपी करने के चक्कर में ना अपनी शख्सियत खो बैठी है। हाँ, यही वाली बात हमें आन से भी कह रहे थे, उसने भी यही मॉडल आई हुई थी, वो यही कह रही थी कि अपनी अपनी पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए किसी को फॉलो। यही पर्सनैलिटी अपनी अच्छी है ना, चश्मा भी अपना ही अच्छा होता है। हाँ, वेरी गुड। इल्जाम है कि आप शोबिस को एक जुआ समझते हैं। हाँ, ये सही है, ये मेरी बात कही हुई आप लिख रहे हैं, आपने ये बातें जो लिखी है बिल्कुल सही कही है। मैंने एक दफ़ा कही थी ये बात कि शो बिज़नेस एक जुआ है, या तो ज़िंदगी हार जाता आदमी या तो फिर कोई जीत मिल जाती है, और बहुत कम लोगों को जीत मिलती है। क्योंकि जब 22 साल का एक बच्चा या 23 साल का बच्चा या 20 साल का बच्चा जब शो बिज़नेस में आता है, 15-20 साल तो स्ट्रगल में लग जाते हैं। जब वो 40 का हो जाता है फिर वो कहीं का नहीं रहता है, फिर वो जॉब भी नहीं कर सकता, किसी अपने गवर्नमेंट सर्विस भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो रिटायर्ड 10 साल बाद उसके रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है। तो शो बिज़नेस एक जुआ ही है। आपका इल्ज़ाम है कि आप एक ज़माने में अपनी अम्मी का घर छोड़कर अलहदा रहने लगे थे। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बिल्कुल अलहदा रहने लगा था इस तरह से कि अम्मी को बिल्कुल छोड़ कर नहीं चला गया था, अम्मी को छोड़ के भी अम्मी के करीब था मैं। मतलब ये घर है तो दूसरा घर ये ले लिया था, साथ ले लिया साथ। आपका इल्ज़ाम है कि आपको टीवी पर देखकर पेशेंट्स अपनी बीमारियों को भूल जाते हैं। ये लाला ने बता दिया आपको। स्वीट। आपका इल्ज़ाम है कि आपने अपने काम में इतने सच्चे हैं, अपनी ज़िंदगी की इंतहाई बुरी खबर सुनने के बावजूद भी आपने अपना सीन पूरा किया। ये भी एक वाकया है, बड़े अच्छे इल्ज़ाम ढूंढ के लाया आप लोग। ये मेरे साथ एक फिल्मी सीन था, अपना नूर के अमरीका में मैं शो कर रहा था, 26 नवंबर थी, और स्टेज पे मैं परफॉर्म कर रहा था। इंटरवल होने से 15 मिनट पहले एक टेलीफोन मेरे हाथ में था और घंटी बजी, तो मेरा भाई था दूसरे, मैं अमेरिका में था वो पाकिस्तान में, उसने खबर दी कि अब्बू की डेथ हो गई है। और उसके बाद मैंने 1.5 घंटा लोगों को हंसाया था जब मेरे घर में मातम हो रहा था। ये कुर्बानी यही होता है, कुर्बानियाँ यही होती हैं कि मतलब है कि आप कुछ ज़बह करके नहीं जाते हो, कुर्बानी का मतलब नहीं है काम हमारी। और वो फिर मुझे डायरेक्टर फुरकान साहब ने कहा कि तुम मुझे बता दें, मैंने कहा मेरे अब्बू तो वापस नहीं आते। फुरकान भाई पता है अमेरिका में क्या होता है, 1.5 घंटा 2-2 घंटे की ड्राइव करके लोग आते हैं शो देखने। मैंने कहा क्या कसूर है। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था और मैं दूसरे दिन शो कर रहा था, वो तो चलो दूसरे दिन। ये तो मेरे अम्मी के साथ भी यही हुआ था कि अम्मी की डेथ हुई थी और मैं दूसरे दिन ड्रामा कर रहा था। बड़े बड़े लोग हैं जी आप। आप पर इल्ज़ाम है कि आपको शो ऑफ करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं अच्छे लगते मुझे, एटीट्यूड वाले बंदे चाहिए, मलंग रहना चाहिए। ये काम सूफियाना है क्या? सही बात। ये जो मलंग लाया हूं ना मैं। आप पर इल्ज़ाम है कि आप बहुत जल्दी लोगों से उकता जाते हैं। उन लोगों से बहुत ज़्यादा बोर कर रहा हूं, उनसे उकताता हूं, बाकी उनसे नहीं उकताता हूं। ये 32 साल से बर्दाश्त नहीं किया हुआ है। ये पाकिस्तानी दबंग है ना यार। आप पर इल्ज़ाम है कि आप जॉनी लीवर के साथ बीवी किस्तों पर भी स्टेज कर, आपने जॉनी लीवर के साथ बीवी किस्तों पर भी स्टेज कर डाला। ये आपको बताऊं बड़े कहां कहां से ढूंढ के लाया। ये सब कहते हैं कि हम इंडिया बहुत, सब यहाँ पे जब इंडिया से आर्टिस्ट आने शुरू हुआ ना पाकिस्तान से जी, सबों को ये गुमान है कि हम बहुत, सबसे पहले मैं गया। तो मैं आपको बताऊँ, ये वो ड्रामा है जो मैं 89 में करके आया था, जब कोई जाता ही नहीं था इंडिया, कोई भी नहीं। हाँ, 89 कोई भी नहीं गया था, कोई भी नहीं गया था। नहीं, मैं तो कंपटीशन लड़ने गया, 3 दफा तूने कहा कोई भी नहीं गया था, कोई भी नहीं गया था। मैं कंपटीशन करने गया था, लड़ने गया था उनसे। नहीं, मैं बता रहा हूँ इंडिया की बात बता रहा हूँ कि 89 में मैं गया था, उस टाइम कोई नहीं गया था। ऐसे घूमने गए थे? नहीं नहीं, दो फिल्में की थी, ये जो है बीवी किस्तों पे और एक पंजाबी ड्रामा था मुंडा गुआचा। अच्छा, आप पर इल्ज़ाम है कि आपके रिश्तेदार भी बचपन में आपसे सोच समझ कर बात करते थे। नहीं, बात करते ही नहीं थे। क्यों? कि कोई ना कोई नहीं बताया, वो होता है ना कि जब हाजिर जवाब, नहीं हाजिर जवाब की बात, वो तो अलग बात थी ना, बात करते ही नहीं थे। रिश्तेदार कहते ही नहीं थे कि हमारा रिश्तेदार है। बड़ी अजीब होती है ना हमारे शोबिज वालों के लिए, तो वो जो दूसरे थे ना हमारे रिश्तेदार कज़न भाई, वो मेरे वाले साहब का नाम लेके कहते थे, वो उनका बेटा तो ड्रामे करता है, ड्रामे। एक वक्त आया कि वही रिश्तेदार कहने लगा हमारा तो कज़न है। हाँ, तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं बाद में। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने कॉमेडी सर्कस में वशी को बहुत तंग किया। उर्वशी। हाँ, बहुत तंग किया। नहीं, वो मुझे अपना गुरु भी मानती है और तंग नहीं किया, मतलब उसको जो मुझे आता था मैंने कोशिश किया कि उसको भी थोड़ा सिखा दूँ। मैं तो खुद अभी सीखने के प्रोसेस में हूँ, लेकिन ये है कि तंग भी कह सकते हैं। इल्ज़ाम सही है।
चलिए जी एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक पर जाते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले रऊफ भाई आप ये ग्लासेस उनको दे दें ताकि वापसी वापस जब हम आए तो इल्जाम इन पे लग सके। जो गिलास लगा था ये जिस पे जो जो जिसके गिलास लगा हुआ उस पर इल्जाम ही लगता है। हाँ ये है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। स्टे विद अस। इल्जाम रह गया था, मैं उनसे ज़रा कर लूँ शकील साहब से कि जी आप इल्ज़ाम है कि आप अपने बिल्डिंग पर मौजूद नहीं थे, मेहमानों की तरह आए। हाँ 15 मिनट। तो आपकी बेगम जो है भाभी जान अभी तक गिला करती होंगी, अब तक ताने देती है, मिसालें देती है लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को। सिर्फ चेक करने आया था कि देखना है और खाना कम तो नहीं पड़ गया। शुक्र है ये बोला पे जो है ना, शुक्र है ये बोल दिया, ये भी बोल सकता था देखना कोई और तो नहीं बैठा हो। नहीं ये तो नहीं कह सकते वो हुआ के अब मेरे जब रिश्तेदार दावत देते ना शादी वादी में नहीं जाता तो मेरी बीवी कह देती है वो अपने वली में नहीं था तो आप लोग अपनी शिकायत कैसे जाता। चलें जी रऊफ साहब आप रेडी हैं इल्जाम के लिए? हां जी। मैं कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, अगर झूठ बोलूं मेरे बराबर वाला अल्लाह से जिंदगी दे। ठीक है वो तैयार हो गए। आप पर इल्जाम है कि आप अपनी डाइट पर कोई कंट्रोल नहीं करते। बराबर से आया जो खाने के बाद बिल देते हैं। अल्लाह का शुक्र है। मेरा ये एक असूल है, मैं शुरू से मेरी एक आदत है, शकील को भी पता है कि मैं जब दस्तरखान पे बैठता हूँ तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ने जब इतनी नेमतें मुझे दी हैं तो वहाँ से आधा पेट ना उठूं। अच्छा सब क्योंकि जब उसने ऑर्डर दिया है कि नहीं उतना कम नहीं, वो अलग चीज़ है। ये मैं जो बता मैं कोई इतना नहीं और फ्लो हो जाता हूँ बिल्कुल यहाँ तक। अच्छा ये इल्जाम का माइंड नहीं करना आपने। नहीं खाता सब अभी एक प्लेट खा जाए। आप इल्जाम है कि आपने सिद्धू और शेखर को हंसा हंसा कर उनके पेट में दर्द कर दिया। अब इन दर्द तो कोई और वजह से इनके हो रहा हो तो वो पता नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं इनको। आप इल्जाम है कि आप अपनी उम्र नहीं छुपाते। सबको पता है मैं अल्लाह का शुक्र है 28 साल का हूँ, 28 का हूँ सबको पता है। रात और दोपहर निकाल के हड़तालें भी निकाल दो, कुछ हड़तालें भी निकाल दो, कह रहे हैं रात और दोपहर रात दोपहर निकाल के लोड शेडिंग निकाल के हड़तालें निकाल के सब निकाल के 28 28 फिल्म में करियर का होगा मेरा ख्याल में। नहीं नहीं करियर का इससे ज्यादा, करियर का 32 है। अच्छा 32 साल हो गए नहीं 33। मैं और शकील बस अब हमारे अंदर 15-20 मिनट का फर्क होगा। नहीं नहीं ये शालीमार है, मैं पहले पैदा हुआ फिर आप आए। हां बस इसी तरह। आप इल्जाम है कि आप दूसरों के आंसू पोंछते हैं और अपने आंसू छुपा लेते हैं। ये तो है कुदरती है कि हमारे साथ कॉमेडियन के साथ तो ये अमल है ही। हाँ। हमने खुशियां बांटनी है, खुद अंदर से कितने टूटे हुए हैं और कितने दुखी हैं हम जानते हैं, ये हमारा अल्लाह जानता है। आप इल्जाम है कि आपकी अम्मी आपके प्रोफेशन से खुश नहीं थी। नहीं शुरू में नहीं थी, लेकिन बाद में मेरी वालदा की दुआएं हैं जो आज इस मुकाम पे। वालदा को यही उतना खुश होना, दुआ तो देनी है ना, दुआ तो देनी है, माँ तो मजबूर है। मतलब आप इल्जाम है कि आप बहुत सीधी सीधी बात करते हैं चाहे वो किसी को बुरी ही क्यों ना लगे। बस ये मेरी आदत है वो कई मतलब हम मेरी और शकील की दोस्ती जो 28 साल 30 साल पुरानी है तो मैं फॉरवर्ड बात जो भी है सीधी कर देता हूँ, ये अंदर नहीं रखता, दिल में रखना बुक्स ये वो नहीं, मुंह पे कह देता हूँ और यही बात उसको मेरी भी पता है और मुझे भी इसको पता है। सही। तो हम कभी कोशिश नहीं करते कि दिल में रख के बुराई करना, नहीं मुंह पे कह दो या थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा कोई मसला। हाँ सही बात है, बात तो दिल तो साफ है ना एटलीस्ट। हाँ। आप इल्जाम है कि आपने कॉमेडी का शहनशाह बनकर इस बात को सही साबित कर दिया कि आर्टिस्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ये तो हाँ ये तो तय है ना, देखे ना आर्टिस्ट हम जो है वो फन के वो सफीर वो परिंदे हैं जो जिनके लिए कोई बॉर्डर या किसी सरहद की जरूरत ही नहीं है, अगर उन्होंने बुलाया वहाँ जाके हमने काम किया वहाँ जाके अल्लाह ने बरकत दी जीते और नाम कमा अच्छी इज्जत के साथ नाम कमा कर आए। आप इल्जाम है कि आप मनीला के जानबाज हैं, ये क्या सीन है? मनीला के जानबाज जो है वो मेरी पहली फिल्म थी। अच्छा इस्माइल शाह के साथ मैंने की थी, पहली फिल्म थी वो मेरी। तो कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। डायरेक्टर कौन थे उस फिल्म को? मतलब एक दो